माता वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो, माता वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा दो, सुविधा दो, माता वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा दो, सुविधा दो, माता वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा दो, सुविधा दो, माता वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा दो, सुविधा दो। घोड़े वाले पोनी वाले अटाल पर मत जाओ, घोड़े वाले पोनी वाले अटाल पर मत जाओ, घोड़े वाले पोनी वाले अटाल पर मत जाओ, घोड़े वाले पोनी वाले अटाल पर मत जाओ। भक्तों को सुविधा दो, 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 भक्तों को सुविधा दो। घोड़े वाले पोनी वाले अटाल पर मत जाओ, मत जाओ, घोड़े वाले पोनी वाले अटाल पर मत जाओ, मत जाओ, पर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, अटाल पर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। जो श्राइन बोर्ड ने नंबरिंग सिस्टम वहाँ घोड़े वाले पोनी वालों के लिए करा है, उसके विरोध के अंदर घोड़े और पोनी वाले हड़ताल पर चले गए हैं। अगर भक्ति नहीं आएंगे वैष्णो देवी तो घोड़े वाले क्या खाएंगे, पोनी वाले क्या खाएंगे। भक्तों को जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी उतने ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन इसके विरोध के अंदर जब वहाँ कुछ खामियाँ श्राइन बोर्ड ने देखी, CEO अंशुल गर्ग ने देखी, उन्होंने इसको अमेंड करने का प्रयास करा, लेकिन उसके बदले में एक धार्मिक संगठन के लोग, जब धार्मिक संगठन इसको चला रहा है तो उसमें हड़ताल का कोई प्रश्न नहीं बनता था, वो लोग वहाँ जा कर के हड़ताल पर चले गए और वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर यात्रु आना बंद हो जाएंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी, अगर यात्रु आना बंद हो जाएंगे तो वो उनका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। इसलिए जितने ज़्यादा यात्रु आएंगे जितनी ज़्यादा सुविधा होगी, अगर CEO और सिन्हा साहब अच्छा प्रबंध करने का प्रयास कर रहे हैं तो घोड़े वाले और पोनी वालों को उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि इशू बना करके हड़ताल करनी चाहिए। ये हमारा एक रिलीजियस प्लेस है, इस पर हड़ताल की व्यवस्था नहीं चलती है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर, वो जो घोड़े वाले पोनी वाले हड़ताल पर गए हुए हैं उनको अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए, और जो अच्छी बातें अच्छी चीज़ें श्राइन बोर्ड के माध्यम से की जा रही हैं उसको सहयोग देने का उनको प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी घटना जो भक्तों के विरोध के अंदर होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी ऐसे लोग जो भक्तों को लूटने का प्रयास करेंगे वो तथापति संभव नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, कृपया करके श्राइन बोर्ड अगर अच्छे काम कर रहा है उसकी सराहना कर रहा हूँ, अंशुल गर्ग की सराहना कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं श्रीमन सिन्हा साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। लेकिन भक्तों का अपमान, भक्तों के साथ विरोधाभास बर्दाश्त नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात भक्तों को देने का प्रबंध करें। धन्यवाद।